मैंने क्यों पूछा आपसे कि किसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स होंगे? दुनिया में कौन लोग कामयाब होते हैं? जिनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा क्या होता है, किस चीज का कॉन्फिडेंस, कि मैं डिफीट को डिफीट, मैं डिफीट को डिफीट कर सकती हूं, कर सकता हूं। वरना डिफीट आपको क्या करेगी? जिसको कॉन्फिडेंस हो मैं डिफीट को डिफीट कर सकता हूं, वरना डिफीट आपको क्या करेगा? डिफीट देगा, है ना? है ना? ऐसा ही है ना बेटा? अगर आप डिफीट को डिफीट नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? डिफीट आपको क्या करेगा? डिफीट करेगा, डिफीट देगा। तो सबसे अहम चीज कॉन्फिडेंस है, सबसे अहम चीज कॉन्फिडेंस। हर चीज में, पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस, रोजमर्रा जिंदगी में भी कॉन्फिडेंस। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस हो, अगर जेब में एक पैसा भी ना हो, वो कभी मुश्किल में क्या नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंस हो। अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस ना हो, अगर जेब में करोड़ भी हो ना, तो वो कुछ नहीं करेगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो वही लोग कामयाब हो सकते हैं। ये जितने लोग कामयाब हुए हैं दुनिया में हर फील्ड में, हर फील्ड में, वो लोग थे जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, विल पावर जिसे आप कहते हैं। विल पावर यानी कुछ करने की ताकत, है ना? ताकतवर हो रही है जिसकी बॉडी क्या हो, स्ट्रांग हो, जैसे ये नहीं। ताकतवर कौन है बच्चा? कौन? जिसके अंदर क्या हो, कॉन्फिडेंस हो। अगर किसके अंदर कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, वो ट्यूशन भी नहीं जाएगा फिर भी कामयाब हो जाएगा, वो स्कूल भी नहीं जाएगा फिर भी कामयाब हो जाएगा। दुनिया में कितने ऐसे लोग थे जिनके अंदर विल पावर थी, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो स्कूल नहीं जाते थे गुर्बत की वजह से, वो किसी जगह पर काम करते थे अपने घर का क्या खर्चा चलाने के लिए, दिन में काम करते थे। फिर जैसे आप इस क्लासरूम में, वो क्लासरूम के बाहर रहते थे, सुनते थे टीचर क्या कहता है, या नहीं शाम को आते थे, फिर अपने दोस्त से कॉपियां लेते थे, किताबें लेते थे, थोड़ा सा पढ़ते थे, वो दुनिया के टॉपर्स बन गए, टॉपर्स बन गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर जो टॉप इंस्टीट्यूशन होता है वहां एडमिशन लेते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते, कहीं पहुंचते। विल पावर हर एक के अंदर है। इंसान को यह एहसास हो, इंसान को पूरा यकीन हो, पूरा विश्वास हो। आप पढ़ते हैं ना वो, उस वो गोमन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, है ना? क्या होंगे कामयाब? लेकिन आप सिर्फ जबान से पढ़ते हैं, ये हमारा दिल बोले हम होंगे कामयाब, हमारा दिल बोले हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन हम सिर्फ जबान से बोलते हैं होंगे कामयाब। ऐसे ऐसे नहीं, दिल बोले, यानी एक मरतबा डिफीट खाने के बाद, डिफीट मैं तुम्हें डिफीट नहीं दूने देने दूंगा, एक मरतबा फेल हो गया, हाँ क्लास में सबसे कम मार्क्स, लेकिन जब किसी टॉपर की तालियां बज रही है वो अंदर से कहे एक दिन मैं तुमसे आगे बढ़ूंगा, आज मैं फेल हुआ हूं लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, डिफीट अंदर से बोले, डिफीट मैं तुम्हें क्या दूंगा, डिफीट मैं तुम्हें क्या दूंगा, डिफीट। लेकिन नहीं, दिल बोले, जबान से नहीं। हम जब सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है स्कूल में, बहुत चिल्लाते हैं गुमन में है विश्वास हम होंगे क्या, लेकिन हमारे पार्ट साफ बॉडी ऐसे नहीं होते। कामयाब इंसान के एक्शन और रिएक्शन कुछ दूसरे किस्म के होते हैं। कामयाब इंसान के, वो किताबों के साथ ऐसे लगता है, वो टाइम अपना जाया नहीं करता है। कौन इंसान? जिसको ये यकीन हो मुझे एक दिन क्या होना है, कामयाब होना है। फिर कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। किन लोगों की विल पावर कमजोर हो जाती है, किन लोगों का कॉन्फिडेंस क्या वीक होता है, कमजोर होता है? किन लोगों का विल पावर खत्म हो जाता है, किन लोगों का विल पावर क्या और ज्यादा क्या बढ़ता है? आप बता सकते हैं राजू, बता सकते हो बेटा,
किन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किन लोगों का एतमाद बढ़ता है, किन लोगों को अपनी सलाहियत पर यकीन होता है, कौन लोग हैं जो एक मर्तबा फेल होने के बाद, एक मर्तबा नाकाम होने के बाद, एक मर्तबा डिफीट खाने के बाद, एक मर्तबा गिर जाने के बाद फिर संभल जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और एक दिन डिफीट को क्या देते हैं, क्या देते हैं? ये सवाल है मेरा, इसका मुझे जवाब चाहिए। मैं कश्मीर से इसलिए आया हूं ताकि आपसे जवाब पूछूं, ताकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस हो और मैं भी डिफीट को जो अपने अंदर विल पावर, समझ रहे ना, जिनके अंदर करने का जज्बा है, जिनके अंदर कामयाब होने का जज्बा है, जिनके अंदर पढ़ने का जज्बा है, जिनके अंदर शिकस्त से नाउमीद होने के, क्या जल्दी नाउमीद नहीं हो जाते, एक मरतबा नहीं 10 मरतबे भी फेल हो जाएंगे फिर भी क्या अंदर से फेल नहीं होते हैं, अंदर से आदमी फेल ना हो, वो कौन लोग है? वही लोग है जिनके अंदर विल पावर है। विल पावर आदमी की कैसे बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आदमी का कैसा बढ़ता है, करने का जज्बा आदमी के अंदर कैसे क्या मजबूत हो जाता है, इस सवाल का जवाब तो बहुत सारी चीजें। सोचो बेटा, लिखो शाबाश, लिखो नंबर वन, ऊपर शाबाश, कोशिश क्या आली, कोशिश नहीं, ये क्या होता है आलमदार भाई, कोशिश नहीं हारना, आप लोग समझ गए ना, आप लोग यही कहते हैं कोशिश नहीं हारना, यही ठीक जुमला है, बताओ क्या कोशिश नहीं हारना, क्या है, क्या मतलब कोशिश नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, शाबाश, देखो कोशिश के बदले हिम्मत, बहुत अच्छा सही कहा है। और कोई आ जाए, और कोशिश से हिम्मत करने से क्या हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक मरतबा गिरा फिर खड़ा होना चाहिए, एक मरतबा गिरा फिर क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और जा बेटी शाबाश, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और शाबाश, बहुत अच्छा, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, शाबाश, ले लो राजू बेटा, राजू को हम ले जाएंगे कश्मीर बर्फ में गिराएंगे, टू गेट इंस्पायर, यहां किन से सक्सेसफुल से, आप किस क्लास में हो राजू बेटा, नाइन्थ में, शाबाश, गाने गेम्स, और नतीजा क्या होता है हमारी जिंदगी दूसरे गेम, हमारी जिंदगी गेम ही बन जाती है, शाबाश राजू बेटा, हमारी जिंदगी क्या बन जाती है, गेम बन जाती है, नहीं यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे सक्सेसफुल पीपल कौन है, फिर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे ना, वो ऐसे नहीं थे जो सक्सेसफुल पीपल, जिनके आसमान से पैसे गिरते थे, जमीन से क्या पैसे निकलते थे, ऐसे नहीं थे सक्सेसफुल इंसान जो सुबह 10 बजे तक
बेटा उठो स्कूल जाना। मम्मी आज बुखार है। बुखार किसका था? गेम खेलने का बुखार था। किसका बुखार है? गेम खेलने का बुखार है। रात को टीवी के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने, वो डिफीट को डिफीट देगा या डिफीट उसको डिफीट देगी? जो रात को दो दो बजे तक फेसबुक के 5000 दोस्तों के साथ हाई वाई करेगा, वो डिफीट को डिफीट देने में कामयाब होगा या डिफीट उसको डिफीट देगी? डिफीट उसको देगी। लेकिन जो रात के 2 बजे तक किताब हाथ में रखेगा, सुबह सवेरे उठेगा, फिर काम शुरू करेगा, वो डिफीट को देगा। वो डिफीट को देगा। वो डिफीट को देगा। ऐसे लोग होते हैं हम। ये जो फेसबुक है, ये जो व्हाट्सएप है, ये जो ट्विटर है, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इंटरनेट है, अगर आप अकलमंद इंसानों की तरह इसका यूजफुल इस्तेमाल अगर वो अकलमंद मां के हाथ में ना हो, बच्चे के हाथ में लग जाए, मां उससे खाना तैयार करती है उस माचिस से, है ना, है ना। अगर वो वही चीज बच्चे के हाथ में लग जाए तो क्या घर घर जला देती है ना, फिर खाना जला हुआ घर जला हुआ खाना तबाह हो जाता है। अकल इसको भी, ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अकलमंद इंसानों की तरह। अब सुबह आज आपकी एज पढ़ने की एज है, आपकी एज क्या है? बनने की एज है। आपकी एज क्या है? तैयारी की एज है। आपकी एज क्या है? लिखने पढ़ने की एज है। आपकी एज है, ये आपकी मिसाल क्या है? उस जमीन की है जिस जमीन में दाना बोया जाता है। इस वक्त कामयाबी का जब आप 30 साल के हो जाएंगे ना, 35 साल के हो जाएंगे, तो ये फल देने लगेगा। लेकिन ये बीज तब क्या फल देने लगेगा? जब क्या होगा? क्या होगा? पानी और धूप। पानी और धूप। पानी धूप वगैरह। तो ये मेहनत का जमाना है, ये मेहनत का जमाना है। अगर आपने हर दम यहां से घर गए तो रास्ते ही में मोबाइल। आज के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मैंने देखा ऊपर से बैग लिए हुए, बस गुजरी बाइक ने, बाइक ने और जो नहीं मरते हैं उनकी सलाहियत मर जाती है। जो ज्यादा इसके दोस्त बन जाते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, वो जिंदा होके मर जाते हैं, उनकी सलाहियत मर जाती है, उनका टैलेंट मर जाता है, उनकी शराफत मर जाती है, उनका कैरेक्टर मर जाता है, उनकी पाकीज़गी मर जाती है। जो सोशल मीडिया को सुबह से शाम तक क्या इसी में लगा रहता है, उधर इधर टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने, अगर वो जिंदा भी रहेगा उसकी सलाहियत बच जाएगी या मर जाएगी? उसका टैलेंट बच जाएगा या मर जाएगा? उसका जहन बच जाएगा मर जाएगा? मर जाएगा। इस वक्त बहुत सारे लोगों का टैलेंट मर जाता है, मर गया है बहुत सारे लोगों का। आप 20 कदम पैदल चल सकते हैं? yes. आप 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं? yes. आधा घंटा भाग सकते हो?
तो उसके पास टाइम मिला था, उसने सोशल मीडिया में अगर अच्छा मोबाइल नहीं है, फेसबुक पे अकाउंट है, कोई नहीं है तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो। आज तो लोग कहते हैं कि भाई जो फेसबुक पर नहीं है वो ना जमीन पर है ना आसमान में। शाबाश, उन लोगों के ठीक है, बहुत अच्छा राजू। इसके बगैर भी जी सकते हैं, इसके बगैर भी जी सकते हैं। फेसबुक के साथ दोस्ती करने से कुछ नहीं होगा, किताब के साथ दोस्ती करने से बहुत कुछ होगा, है ना। फेसबुक की 5000 फ्रेंड कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, किताब जो पढ़ेगा यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। किस किसकी किताब के साथ दोस्ती है, दोस्त के बगैर नहीं रह सकते हैं। फिर आपने क्यों कहा, किसी ने नहीं कहा मैं 95% मार्क से, इसका मतलब कि आप इस दोस्त को क्या अभी दोस्त नहीं बनाते हैं। आप इसका मतलब है कि आप दोस्त को दोस्त नहीं बनाते हैं। तो राजू ने कहा टू गेट इंस्पायर्ड बाय सक्सेसफुल पीपल, जो कामयाब लोग हैं इनको पढ़े, जो कामयाब लोग हैं उनको पढ़े। जैसे मैंने इससे पहले भी कही, जो लाइक है ये थॉमस एडिसन ने बनाई है। थॉमस एडिसन बहुत ज्यादा वो नहीं था, काबिल नहीं था, लेकिन जो उसके पास काबिलियत थी, जो टैलेंट था, जो सलाहियत थी, उसने अच्छी तरह उसको यूटिलाइज किया। उसको स्कूल से निकाला गया था, किसी को पता है ना उसकी कहानी, पता है ना, स्कूल से बाहर निकाला गया था, लेकिन स्कूल ने बाहर निकाला, लेकिन उसने उसकी मां ने कहा था नहीं मैं थॉमस एडिसन को ऐसा पढ़ाऊंगी कि ये डिफीट करे। स्कूल वाले चाहते थे नहीं डिफीट, थॉमस को डिफीट दे, मां ने कहा नहीं थॉमस डिफीट को डिफीट दे। अब आपको क्या करना है, जबान से या नहीं अमल से, जबान से या एक्शन से। जैसे लोग सोशल मीडिया वाले होते हैं ना, जो इसमें फंसे हुए होते हैं, वो हरदम इसी के साथ रहते हैं, ऐसे चलते हैं ना। लेकिन जिनकी किताबों के साथ दोस्ती होती ना, वो बस खड़ी किताब खोलते हैं, ब्रेक में भी, स्कूल की ब्रेक में भी क्या किताब खोलते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, जब उसका टर्न आता है क्या बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का, तब तक क्या हाथ में लेते हैं किताब लेते हैं। जब हॉस्पिटल जाना हो, डॉक्टर के पास, जब उसका टर्न आ जाए, तो तब तक क्या पढ़ते हैं किताब पढ़ते हैं, है ना। ऐसे होते हैं लोग। आपने नाम सुना आयतुल्लाह खामेनेई का, किस किस ने नाम सुना आयतुल्लाह खामेनेई का नाम सुना है ना बेटा, नहीं सुना है। सुना है। अभी अलमदार के पास कोई फोटो आपको दिखाऊंगा। तो इनका कहना है कि मैं जब घर से ऑफिस तक जाता था, मैं उसी बस में जब जाता था, सीट पर बैठता था, मैंने 15 या 20 जिल्द किताबों का, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का बस में आते जाते मुताला किया। कितनी जिल्द, कितने ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है, राजनी बहुत अच्छी बात है, टू गेट इंस्पायर्ड बाय सक्सेसफुल पीपल। उन्होंने लिखा है कि जब हमारे घर में दस्तरखान बिछता था, तो जब तक मेरी बेटी या मेरी बीवी दस्तरखान पर खाना सजाती थी और मैं बैठ जाता था, 10 या 15 मिनट लगते थे, मैं कुछ लिखने लगता था या कुछ पढ़ने लगता था, 4-5 मिनट लगते हैं ना दस्तरखान बिछाने में, है ना। आप लोग दस्तरखान पर खाना खाते हैं या नहीं, ऐसे जहां पर मोबाइल के सामने होते हैं या जिस सोफे पर आप टीवी देखते हैं, तो उन्हें जब तक खाना पिछता है, खाना लगता है, प्लेट लाए, खाना लाया, शोरबा लाया, सब्जी लाई, है ना, 5 मिनट तक कहा, मैंने 20 या 30 किताबें उसी दौरान लिखी है, मैं 5-5 मिनट उनका इस्तेमाल करता था, लिखता था, इतनी ज्यादा क्या अपने, इतना ज्यादा अपने वक्त का क्या करता था, इस्तेमाल करता था। तो हमारे पास कामयाब होने के लिए बहुत सारे वसीले है ना राजू, है ना बच्चों। लेकिन आपने इंडिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर कौन है, विराट कोहली। इससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, सचिन तेंदुलकर। उसको कहते थे भगवान, किसका, क्रिकेट का, कहते थे ना क्रिकेट का ये भगवान। इसी तरह
बास्केटबॉल की एक खेल है, सुना है ना बास्केटबॉल, देखा है ना बास्केटबॉल का नाम सुना है ना? Yes. बास्केटबॉल का एक खिलाड़ी बहुत पॉपुलर खिलाड़ी था, उसका नाम था क्या 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 था उसका नाम क्या नाम था उसका नहीं नहीं बास्केटबॉल का हाँ बास्केटबॉल का एक खिलाड़ी था, उसका नाम था, इसको पता है मैं भी ढूंढ गया उसका नाम, जरा ये सर्च कीजिए, माइकल जॉर्डन, क्या नाम था माइकल जॉर्डन, नाम सुना है ना माइकल जॉर्डन उसका नाम था। गरीब फैमिली का लड़का था, बहुत गरीब। एक दिन उसके बाप ने कहा माइकल इधर आ जाओ, माइकल आया, कहा बेटा ये लो ये शर्ट, पुरानी शर्ट, खराब शर्ट, आयरन भी उस पर नहीं किया था, कहा बेटा इसको ले जाओ और $10 में बेच के आओ। कितने में? $10। तो कोई $1 में भी नहीं खरीदेगा, आप कहते हैं इसको बेचो किसमें? $10 में इसको बेच के आओ। कहा नहीं, तुम मेहनत करो और इसको $10 में बेच के आओ। कहा पापा इसको कोई नहीं खरीदेगा, पुरानी और घर में उसकी स्तरी भी नहीं, इतना गरीब था। आपका कोई घर है जिसमें जहां आयरन और स्तरी ना हो? हर घर में होगा, बल्कि हर आर्य के पास अपनी अपनी स्तरी अलग अलग होती है। तो उन्होंने कहा आप जब उसने कपड़ा लिया, बाप ने भी क्या प्रेशर किया, जाओ उसको बेच के आओ दूसरों से इंस्पायर होना। उसने उसको धोया जल्दी जल्दी, अब स्त्री नहीं थी तो घर का ट्रंक संदूक है, हेवी चीजें रात भर उस पर रखी, किस पर? उस शर्ट पर, शर्ट पर रखी। और फिर रेलवे स्टेशन के करीब गया, $10 की कोई नहीं खरीदा, बहुत पुरानी। रात को जब स्टेशन बंद हो रहा था तो एक साहब ने देखा ये छोटा बच्चा ये बेच रहा है, कहा बेटा क्या बेच रहे हो? कहा अंकल ये शर्ट है। कहा कितने में? कहा $10 में। उसने 10 के बदले उसको 20 दिए। कितने? 20। कितने दिए? $20 का मतलब है तकरीबन कितने हो गए, 72 × 20 कितने बन जाएंगे? तकरीबन 1200-1300 रुपए है ना, 1200-1300 रुपए में बिल्कुल फटी शक्की जिसकी 10 रुपए भी कीमत नहीं थी। दूसरे दिन जब वो घर आया, बहुत खुश हुए इसके पापा, उन्हें एक और शर्ट उसको दी। कहा बेटा जाओ इसको $100 में बेचा। कहा पापा अब कोई नहीं जाएगा, कल तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको क्या बेचा, इसको कौन खरीदेगा? कहा नहीं जाओ बेटा, जाओ बेटा। फिर वो रात भर सोचने लगा इसको मैं कैसे $100 में बेचू, कितने में? तो उसने रात को वो मिकी माउस देखा है ना उसने उसी की तस्वीर बनाई उस शर्ट पर। किस शर्ट पर? जो पापा ने दी थी उस पर शर्ट पर वो उसी की तस्वीर बनाई और सुबह बेचने गया। फिर रेलवे स्टेशन के पास गया, फिर कहा $100 ने बाहर, आज $100 ने 7000 रुपया, कितने में? कोई गिनती का 7000 रुपया ऐसे शर्ट पर। दूर से एक बच्चा देख रहा था, वो इस शर्ट का आशिक हो गया, उसने पापा से कहा नहीं मुझे वो खरीदनी है, और उसने वो क्या $100 के बदले $500 में बेची। कितने में? $500 में। फिर दूसरे दिन पापा आए, बहुत खुश हुए पापा, पहले जो $10 का वो कितने में बेचा? $20 का, और जो $100 का वो कितने में बेचा? $500 का। फिर पापा ने दिया एक पुरानी पुराना कपड़ा, कहा जाओ इसको भी बेच के आओ। कहा पापा आज तो मैं नहीं जाऊंगा, ये फटे शटे कपड़े कौन खरीदेगा इतने महंगे में? पापा ने फिर दे दी, फिर वो गया, उसने अखबार में पढ़ा कि फलां जगह एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, वो फौरन उस जो वहां एक्टर था हां उसके पास गया ऑटोग्राफ लेने। उस बच्चे को कोई जाने नहीं देता था, उसने चिल्लाया, जो एक्टर था या एक्ट्रेस थी उसने उसको बुलाया, कहा क्या कहा बे, क्या कहा बेटा? कहा मैं गरीब हूं, इसको जरा मुझे ऑटोग्राफ दो। उसने उसको ऑटोग्राफ लिया और किस पर? उसी शर्ट पर। फिर दूसरे दिन वो निकला, कहा फलां एक्टर की शर्ट का ऑटोग्राफ है इस पर, कौन इसको खरीदेगा? सब खरीदने के लिए निकले तो वो जो उसको $1000 में बेचनी थी उसको उसने $10,000 में बेचा। कितने में? फिर पापा के पास आया, बहुत खुश हुआ। पापा ने कहा बेटा तुमने $1 की शर्ट को $20 में बेचा,
तुमने $100 की शर्ट को $500 में बेचा, तुमने $100 की या $500 की शर्ट को कितने $10,000 में बेचा, $10,000 यानी बहुत पैसा बन जाता है। कब तुमने क्या सीखा? तो माइकल जॉर्डन ने कहा, बाबा मैंने एक चीज सीखी है। सुनोगे? कहा क्या सीखा है इतनी इन तीन चीजों को बेचकर? कहा मैंने एक चीज सीखी है कि when there is a will, there is a way. When there is a will, जब कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। जब राजू कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ते जब कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ते खुद ही तो when there is a will, will पावर जिनकी होती है उनकी तरह जवाब दो, when there is a will, when there is a will, रास्ता कामयाबी का एक नहीं है, कितने हैं हजारों रास्ते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर ये पैदा करना, वो जज्बा पैदा करना, कॉन्फिडेंस पैदा करना है। When there is a will, when there is a will, इसीलिए कुरान ने कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। क्या मतलब? इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो मेहनत, बगैर मेहनत के किसी को लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। पढ़ो मेरे साथ, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। फिर हमारे बेटे लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। दोनों मिलकर पढ़ो, इंसान को क्या मिलेगा? वही मिलेगा जिसकी वो मेहनत करेगा। इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो मेहनत करेगा। इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो मेहनत करेगा। कोशिश जो करेगा वही मिलेगा, जो कोशिश नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। जो कोशिश करेगा उसी को मिलेगा, जो कोशिश नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। इंसान कहूंगा तुम आप कहना इल्ला मा सा, लैसा लिल इंसान 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 इल्ला मा सा। आपको लैसा लिल इंसान, आपको इल्ला मा सा, लैसा लिल इंसान इल्ला एक शैतान है जो हमें काम नहीं करने देता है, उस शैतान का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? नहीं फोन नहीं, बहुत सारी चीजें जो हमें काम नहीं करने देती है, उनमें से बुरा दोस्त एक चीज है। कोई बुरा दोस्त, क्या पढ़ोगे छोड़ो भाई खेल चलते हैं, बुरा दोस्त, अरे चलो छोड़ो जो बुरा है, क्या किताब बंद करो, देखो फिर क्या खुलवाता, फिर उधर देखो आता। उस दिन मैंने कहा था राजू याद है ना, उस क्लास में भी गुनाह हमें मेहनत नहीं करने देता,
जो ज्यादा गुनाह करता है वो मेहनत नहीं करता है। गुनाह, बुरा दोस्त, आराम, आराम तो छोड़ता नहीं है। अरे आप कौन सुबह सवेरे उठेगा? जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, रात को कम सोते हैं और दिन में ज्यादा मेहनत करते हैं। पेट भरकर 10 मरतबा खाना और फिर भी क्या पेट नहीं भरना है? जो ज्यादा खाते हैं ना सिर्फ पेटू होते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं। राजू मेरा काम खाना था, कुछ दोगे? ऐसे भी होते ना। राजू मेरे को तुम्हारा खाना क्या है? चोरी करना, दूसरे की मदद ना करना, उस्ताद की इज्जत ना करना, माँ बाप की इज्जत ना करना, माँ बाप का एहतराम ना करना, ये चीजें क्या है? हमें मेहनत नहीं करनी देती है। आज नौजवानों की सलाहियतों और टैलेंट का सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया है। आज नौजवान बेटियों और नौजवान लड़कों की सलाहियतों का सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया है। मगर ये कि हम अकलमंद इंसानों की तरह इस्तेमाल करें, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी है कि माचिस, इसके अंदर सलाहियत है जलाने की। माँ जलाती है तो खाना तैयार होता है, बच्चा जलाता है तो घर जलाता है। माँ जलाती है तो खाना जलता, खाना बनता है, बेटा जलाता है तो घर जलता है। अकलमंद इंसान के हाथ में मीडिया, ये सोशल मीडिया लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, इंटरनेट पर इतनी साइटें हैं, अपनी सब्जेक्ट की चीजों को, लेक्चर को डाउनलोड करके दिन भर सुनते हैं। मेरा खुद एक बेटा है, उसने अपने 12th का पूरा सिलेबस, पूरे लेक्चर यूट्यूब से और दूसरे साइट से डाउनलोड किए हैं। लेकिन कितने ऐसे हैं नहीं, जो सुबह शाम इसी में लगे हुए होते हैं, सुबह शाम क्रिकेट देखते रहते हैं। फिर जब आते हैं, अरे विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है, फिर इस पर गुफ्तगू होती है। अरे वो गरीब बोल्ड हो गया ना, वो धोनी मजा नहीं आया, उसकी गेंद ऐसी थी, मैं हो रहा तो छक्के छुड़ाता। तुम्हारी जिंदगी के छक्के छूट गए, तुम्हारे टैलेंट के छक्के छूट गए, तुम्हारी सलाहियत के छक्के छूट गए, तुम्हारे माँ बाप के मेहनत के छक्के छूट गए, तुम्हारे किताबों के छक्के छूट गए, तुम्हारे फ्यूचर के छक्के छूट गए हैं। धोनी ने बाल बाउंड्री से बाहर लगाई और तुम्हारी सलाहियत भी क्या ऐसा ही है ना बेटा, है ना? अब हमें क्या फायदा है? जो मैंने कल वो क्लिप देखी, अच्छा मुझे भी दिखाओ। अपन ने कल ऐसी फिल्म देखी है, फिर उसको फोन करता, हेलो उसको निकल ही बेचड़ा। हाँ फिर देखता है, माँ को कहती है बेटा खाना ठंडा हो जाए। हाँ माँ, अगर पहले तो सुनता नहीं है, हा? मैं ठंडा ही खाऊंगा, है ना, मैं ठंडा ही खाऊंगा। फिर देखता रहता है, लगा रहता है। तो ये इंसान क्या है, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है या नाकामी की तरफ? ये ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहा है या डार्क फ्यूचर की तरफ? ये ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहा है या डार्क फ्यूचर की तरफ? अगर आपका कोई छोटा सा छोटा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, जिसके साथ आप स्कूल आते भी है, स्कूल से जाते भी है, घर में वो आपको दावत नहीं करता, आप उसको दावत करते हैं, लेकिन उसके पास कुछ बुरी चीजें हैं, वो हर रोज आपको बुरी क्लिप देता है, हर रोज आपको बुरी फिल्में देता है, हर रोज आपको क्या बुरे लिंक भेजता रहता है, समझो ये तुम्हारी जिंदगी का क्या सांप है, सांप दस्ता है, है ना? डर दो ना, सांप दस्ता है। वो सांप है जिसे बचना है, उसको कहना बाय बाय, अगर तुम्हारे साथ दोस्ती मैंने रखी तो मेरी सलाहियतें मर जाएंगी, मेरा टैलेंट मर जाएगा, है ना, बाय बाय। कोई भी ऐसा हो तो ये समझो सांप के, किसी का सांप के साथ दोस्ती होती है, होती है। लेकिन हम लोगों की बहुत सारे इंसान जैसे सांपों के साथ दोस्ती है, इंसान जैसे। अब मैं एक शेर लिखूंगा और देवेंद्र सिंह के साथ, फारसी में एक शेर, एक शायर है सादी, एक शायर गुजरा है फारसी में, बुरे दोस्त इंसान को जो कुछ मिलता है मेहनत से मिलता है, विल पावर से मिलता है, कॉन्फिडेंस से मिलता है, लेकिन जब इंसान के पास बुरे दोस्त होते हैं जो इंसान को हरदम बुराई की तरफ लगाते हैं, बुरे लड़कों की तरफ या बुरे लड़कियों की तरफ, बुरी चीजों की तरफ, बुरे क्लिप की तरफ, बुरे दोस्तों की तरफ, बुरे गेम की तरफ बुलाते रहते हैं, तो आदमी कितने बड़े इंस्टीट्यूशन में भी जाए पढ़ने के लिए, वो कामयाब होगा या नाकाम? वो डिफीट को डिफीट देगा या डिफीट उसको डिफीट देगी? डिफीट उसको डिफीट देगी।
फारसी का एक शायर गुजरा है, उसका नाम है क्या? शेख सादी। क्या नाम है? शेख सादी। वो बुरे दोस्तों के बारे में कहता है। किनके बारे में? बुरे दोस्त। जो बुरे दोस्त इंसान को क्या करते हैं? सलाहियतें खत्म करते हैं, सलाहियतें खत्म करते हैं। आपके घर में कौन ऐसा है जिनके यहाँ पैसा जो आता है वो छत फाड़ के आता है? वहां ऊपर उठा है। आपके घर में कौन है, कौन सा आप में से है जिनके घर पैसा छत फाड़ के आता है? छत फाड़ के समझ रहे हैं ना? कौन है जिनके घर से जमीन से पैसा निकलता है? ये पैसा जो आपकी पढ़ाई पर खर्चा होता है वो कहां से आता है? आपके माँ बाप की मेहनत से आता है ना? है ना? है ना? मेहनत से आता है ना? तो अगर आपको कोई बुरा दोस्त मिल रहा है ना, तो आपके माँ बाप की दिन रात की मेहनत खत्म हो जाएगी। इसीलिए शायर ने कहा क्या कहा, ये लिखो हमेशा, ज़ाकाबी पर भी लिखना और किस पर लिखना है? दिल पर भी लिखना है। फारसी शायर ने लिखा है, ये आजकल बहुत खतरनाक चीज है। फेसबुक फ्रेंड, ट्विटर फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, सोशल मीडिया फ्रेंड। फारसी ने एक शायर ने लिखा है बहुत ही अच्छा शेर, बहुत ही अच्छा शेर, तातवानी जहां तक मुमकिन हो गुरीज, गुरीज यानी भागना, गुरीज यानी गुरीज एस यारे बैर। इससे पहले मैंने लिखा था ये यारे बैर यानी बुरा दोस्त, गुरेज यानी भागना, तातावानी जितना मुमकिन हो, तातावानी गुरीज एस यारे बैर, यारे बैर यानी बुरा बुरा दोस्त। अलमदार में इसको ट्रांसलेशन कीजिए उर्दू में और अपने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखिए। तातावानी गुरीज एस यारे बैर, क्यों? जितना मुमकिन हो बुरे दोस्तों से बचो। जो तुम्हें हरदम कह रहे छोड़ो किताब, आखिरी दिन पढ़ेंगे रात में नहीं, जो आखिरी दिन पढ़ेगा वो पढ़ेगा। अगर किसी ने कहा छोड़ो वहां चलते हैं, छोड़ो किताब पढ़ने, आखिरी दिन देखते हैं नकल करेंगे, जो नकल के जरिए आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है डिफीट उसको, डिफीट उसको, जो कहेगा आखिरी दिन पढ़ेंगे डिफीट उसको, जो मोबाइल के साथ ज्यादा टाइम देगा डिफीट उसको, जो मोबाइल पर बुरे चीजों की तरह ज्यादा लिखेंगे डिफीट उसको। तो शायद ने कहा बुरी पर राजू अगर मुमकिन हो तो बुरे दोस्तों से बचो। यारे बैर यानी बुरा दोस्त, यार यानी दोस्त, यारे बैर यानी बुरा दोस्त, बदतर यानी ज्यादा बुरा है या ज्यादा खतरनाक है। यारे बैर बदतर बुअर एज मारे बैर, मार यानी सांप, बदतर यानी ज्यादा बुरा, यारे बैर यानी बुरा बुरा दोस्त, बदतर बुअर एज मारे बैर, मार यानी सांप, बुरा दोस्त सांप से ज्यादा खतरनाक है। बुरा दोस्त सांप से ज्यादा, बुरा दोस्त सांप से ज्यादा। अगर आपके फेसबुक फ्रेंड में कोई बुरा दोस्त है, उधर उधर की क्लिपें भेजता है आपको, समझो एक ना एक दिन ये आपको क्या डसेगा और तुम्हें कामयाबी के उस जीने से नीचे नीचे गिरा देगा। फिर आप उससे कहेंगे मेरा हाथ पकड़ो, उधर से आपका गला क्या हाथ नहीं पकड़ेगा, बोलिए क्या मांगेगा गला, और ऊपर से पैर जाओ। तो इसलिए शायर ने कहा दातवानी जितना मुमकिन हो बुरे बाबो आज यारी बार बुरे दोस्त से, यारी बार बुरा दोस्त बदतर ज्यादा खतरनाक है आज हमारे बाद, किससे खतरनाक? सांप से ज्यादा खतरनाक कौन है? बुरा खतरनाक सांप से ज्यादा खतरनाक कौन है? खतरनाक सांप से ज्यादा खतरनाक कौन है? बुरा। तो सोचो आपका कौन बुरा दोस्त है, उसको आज रात कहना क्या बाय बाय, और अगर आप उसको बाय बाय कहने की क्या हिम्मत नहीं रखते हैं तो अपने ब्राइट फ्यूचर को करो बाय बाय। अगर आप बुरे दोस्त को बाय बाय नहीं कह सकते हैं तो अपने टैलेंट को कहो बाय बाय। अगर आप अपने बुरे दोस्त को बाय बाय नहीं कर सकते हैं तो अपनी सलाहियत को कहो बाय बाय। अगर आप बुरे दोस्त को बाय बाय नहीं कह सकते हैं तो अपने सक्सेस को कहो क्या बाय बाय। अगर आप बुरे दोस्त को बाय बाय नहीं कह सकते हैं तो माँ बाप की मेहनत
को किसी नतीजे तक किसी रिजल्ट तक पहुंचाने को कहो क्या बाय बाय। अगर आप बुरे दोस्त को बाय बाय नहीं कह सकते हैं जो माँ बाप ने आपके लिए ख्वाब देखे हैं तो उनको कहो क्या बाय बाय। अगर आप बुरे दोस्त को बाय बाय नहीं कह सकते हैं जो आपने खुद ख्वाब देखे हैं कि मैं टॉपर बनूंगा ऑफिसर बनूंगा टीचर बनूंगा तो उस ख्वाब को कहो बाय बाय। राजू मेरी बात ठीक है ना, हमारी दोस्ती पक्की है ना। तातवानी पूरी दास जाए यारी बात मतलब हुआ दास मारे यारी बात मतलब हुआ दास मारे मारे बात। बुरा दोस्त खतरनाक सबसे ज्यादा खतरनाक है। और लिखूं या बाय बाय? जो कहते हैं और लिखूं वो सलवार पढ़े, जो कहते हैं मैं लिखूं वो भी सलवार पढ़े। तातवाई गुर किससे भागना है? बुरा दोस्त किससे खतरनाक है? सांप से। क्यों? मारी बद यानी सांप। मारी बद तनहा तोरा जान सनत जान यानी तुम्हारी जान। मारी बात तनहा मारी बात ये बुरा सांप सिर्फ जान लेता है। बुरा और खतरनाक सांप डसने के बाद सिर्फ क्या लेता है? जान लेता है। बुरा दोस्त बुरा सांप क्या करता है? जान लेता है डसता है। बुरा सांप ये सांप खतरनाक सांप जहरीला सांप राजू क्या करता है? डसता है जान देता है। लेकिन बुरा दोस्त क्या करता है? ईमान। लेकिन सांप तो सिर्फ क्या करता है? हमारे जिस्म को डसता है। लेकिन बुरा दोस्त हमारी जान भी क्या लेता है? और ईमान और करेक्ट और अखलाक और टैलेंट और सलाहियत और सब कुछ ले जाता है। ब्राइट फ्यूचर भी ले जाता है। कौन? बुरा दोस्त। अगर किसी को बुरा दोस्त मिला और वो बुरे लाइन में लग गया, ड्रग्स लेने लगा, शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, बड़े बुरे बुरे हैबिट्स के अंदर पैदा हो गए, जो शराब पीने लगा, खुदा बचाए खुदा बचाए खुदा बचाए, उधर उधर के गलत रिलेशन में लगा, तो उसकी जिस्म भी खराब हो जाता है। शराब पीने से जिस्म मजबूत होता है खराब हो जाता है? ड्रग्स से आदमी का बॉडी सेहतमंद होती रहती है कमजोर हो जाती है? तो बॉडी भी खराब करता है और अखलाक और किरदार भी क्या करता है? खत्म करता है। कौन? बुरा दोस्त। सांप सिर्फ जान लेता है और बुरा दोस्त जान भी लेता है और ईमान भी लेता है, कैरेक्टर भी ले जाता है, टैलेंट भी ले जाता है, सलाहियत भी ले जाता है। तो हमें किस किस को बाय बाय करना है? किसको बाय बाय करना है? किसको बाय बाय करना है? सोशल मीडिया पर कोई दोस्त हो उसको भी बाय बाय करना है। क्लासरूम में कोई बुरा दोस्त है उसको बाय बाय करना है। खेल के मैदान में कोई बुरा दोस्त हो उसको बाय बाय करना है। हमारे हमसाय में कोई बुरा दोस्त हो उसको बाय बाय करना है। हाँ, हमारी टीम में कोई बुरा दोस्त हो उसको बाय बाय करना है। हमारे क्लासरूम में कोई बुरा दोस्त हो उसको बाय बाय करना है। अगर हम उसको बाय बाय नहीं कर सकते हैं तो हमें अपनी अपने टैलेंट को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो हमने ड्रीम देखा उसको क्या करना चाहिए? फिर बाय 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 इंसान है अगर इरादा है तो रास्ते है, अगर इरादा नहीं है रास्ते होंगे भी लेकिन मैं चलने की ताकत। अगर इरादा है अगर विल पावर है, अगर रास्ते नहीं भी है मैं रास्ते पैदा करूंगा। अगर विल पावर नहीं है रास्ते होंगे भी लेकिन मैं चलने की ताकत नहीं। लेकिन इस विल पावर में इस
अपनी कॉन्फिडेंस को खत्म करने में बहुत सारी चीजें हमारा कॉन्फिडेंस खत्म करते हैं, हमारे टैलेंट को खत्म करते हैं, हमारी सलाहियत को खत्म करते हैं, हम जो जिंदगी में अपने ड्रीम देखते हैं उनको खत्म करते हैं, उसमें किसका रोल है? बुरे दोस्त का। बुरा दोस्त हमारी जान का भी क्या दुश्मन है, हमारे कैरेक्टर का भी दुश्मन है, बुरा दोस्त हमारी सेहत का भी दुश्मन है और हमारे टैलेंट का भी दुश्मन है। अब जब तक हम उनको बाय बाय नहीं करेंगे तब फिर हमें तैयार रहना चाहिए अपने ब्राइट फ्यूचर को बाय बाय कहने के लिए। कौन कौन अपने ब्राइट फ्यूचर को बाय बाय कहने के लिए तैयार है? वृंदावन में सभा पड़े। कौन कौन अपने बुरे दोस्त को बाय बाय करने के लिए तैयार है? बुलंद आवाज में सभा पड़े।